Hello, dear students. Today we will study about plant tissues. In our last video, we have studied that plant tissues are of two types. Can you name them? Yes, first is dividing and the second is non dividing. Right? Now let's look at the technical terms used for them. Firstly, dividing tissues are also known as meristematic tissues, means the formal terms used for it. ज मेरिस्टमैटिक टिश्यूज हे आर द वर्ड मेरिस्टमैटिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेरिस्टॉस विच मीनस डिवाइडेड सो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज का मेन फंक्शन है डिवाइड होना और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करना अब ये टिश्यूज प्रेजेंट कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट में जहाँ पे प्लांट्स ग्रोथ शो करता है क्या आपको पता है स्टूडेंट्स की मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के सेल्स किस टाइप के होते हैं यस yes, ये होते हैं लिविंग एंड वेरी एक्टिव जिनकी पावर ऑफ डिवीजन काफ़ी ज़्यादा है अब हम देखते हैं कि ये मैरिस्टमैटिक टिश्यूज़ प्लांट के कितने पार्ट्स में प्रेजेंट हैं ये हैं थ्री पार्ट्स में सो so, इनकी पार्ट्स की लोकेशन की वजह से मैरिस्टमैटिक टिश्यूज़ की हमारे पास थ्री टाइप्स हैं सो so, अब हम स्टडी करेंगे इनकी मेन थ्री टाइप्स को इनकी लोकेशन के बेसिस पे द थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ आर एपिकल मैरिस्टेम Lateral meristem and the third one is intercalary meristem. Don't just memorize these terms, let me make them easy for you. First is apical meristem, which is only present at roots and shoot tips, and second, it helps to increase the length of a plant. Second is lateral meristem. Now, where they are present? Here, lateral means side to side, that means

अब इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है ये हेल्प करते हैं ट्विग्स को ब्रांचेस में ग्रो होने में और ब्रांचेस और लीव्स की फॉर्मेशन करने में नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज टिश्यू सेल्स फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म, व्हिच मींस दे रिक्वायर मोर एनर्जी टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अ प्लांट नाउ वी विल सी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट टिश्यूज हैव नो टाइप्स एट इट्स सीडलिंग स्टेज मीन्स जब कोई प्लांट सीड की फॉर्म में होता है तब उसके सभी टिश्यूज़ एक जैसे होते हैं ग्रो होने के बाद मेच्योरिटी की स्टेज पे पहुंचने के बाद उसके टिश्यूज़ की फर्दर टाइप्स शो होती हैं और तभी उसकी डिवीजन ऑफ लेबर होता है मीन्स फंक्शंस डिवाइड होते हैं सो so, अब हमने जो स्टडी किया एपिकल मेरिस्टम लेटरल मेरिस्टम इंटर कैलरी मेरिस्टम ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिवाइडिंग टिश्यूज की देन वाट अबाउट नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में बाय so, बाय